श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 10वां अध्याय 15वां धेनुकासुर का उद्धार और ग्वाल बालों को कालिया नाग से बचाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब बलराम और श्री कृष्ण ने पौगंड अवस्था में अर्थात छठे वर्ष में प्रवेश किया था। अब उन्हें गौवें चराने की स्वीकृति मिल गई। वे अपने सखा ग्वाल बालों के साथ गौवें चराते हुए वृंदावन में जाते और अपने चरणों से वृंदावन को अत्यंत पावन करते। यह वन गौओं के लिए हरे हरे घास से युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों की खान हो रहा था। आगे आगे गौएं, उनके पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए श्याम सुंदर, तदंतर बलराम और फिर श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाल बाल इस प्रकार विहार करने के लिए उन्होंने उस वन में प्रवेश किया। उस वन में कहीं तो भौरे बड़ी मधुर गुंजार कर रहे थे, कहीं झुंड के झुंड हरिन चौकड़ी भर रहे थे और कहीं सुंदर सुंदर पक्षी चहक रहे थे। बड़े ही सुंदर सुंदर सरोवर थे जिनका जल महात्माओं के हृदय के समान स्वच्छ और निर्मल था। उनमें खिले हुए कमलों के सौरभ से सुवासित होकर शीतल मंद मंद सुगंध वायु उस वन की सेवा कर रही थी। इतना मनोहर था वह वन कि उसे देखकर भगवान ने मन ही मन उसमें विहार करने का संकल्प किया। पुरुषोत्तम भगवान ने देखा कि बड़े बड़े वृक्ष फल और फूलों के भार से झुककर अपनी डालियों और नूतन कपोलों की लालिमा से उनके चरणों का स्पर्श कर रहे हैं। तब उन्होंने बड़े आनंद से कुछ मुस्कुराते हुए अपने बड़े भाई बलराम जी से कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देव शिरोमणे, यूं तो बड़े बड़े देवता आपके चरण कमलों की पूजा करते हैं, परंतु देखिए तो ये वृक्ष भी अपनी डालियों से सुंदर पुष्प और फलों की सामग्री लेकर आपके चरण कमलों में झुक रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। क्यों ना हो, इन्होंने इसी सौभाग्य के लिए तथा अपना दर्शन एवं श्रवण करने वालों के अज्ञान का नाश करने के लिए ही तो वृंदावन धाम में वृक्ष योनि ग्रहण की है। इनका जीवन धन्य है। आदि पुरुष, यद्यपि आप इस वृंदावन में अपने ऐश्वर्य रूप को छिपाकर बालकों की सी लीला कर रहे हैं, फिर भी आपके श्रेष्ठ भक्त मुनिगण अपने इष्ट देव को पहचान कर यहाँ भी प्रायः भौरों के रूप में आपके भुवन पावन यश का निरंतर गान करते हुए आपके भजन में लगे रहते हैं। वे एक क्षण के लिए भी आपको नहीं छोड़ना चाहते। भाई जी, वास्तव में आप ही स्तुति करने योग्य हैं। देखिए, आपको अपने घर आया देख ये मोर आपके दर्शनों से आनंदित होकर नाच रहे हैं। हिरणियाँ मृगनयनी गोपियों के समान अपनी प्रेम भरी तिरछी चितवन से आपके प्रति प्रेम प्रकट कर रही हैं, आपको प्रसन्न कर रही हैं। ये कोयले अपनी मधुर कुहू कुहू ध्वनि से आपका कितना सुंदर स्वागत कर रही हैं। ये वनवासी होने पर भी धन्य हैं, क्योंकि सत्पुरुषों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे घर आए अतिथि को अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु भेंट कर देते हैं। आज यहाँ की भूमि अपनी हरी हरी घास के साथ आपके चरणों का स्पर्श प्राप्त करके धन्य हो रही है। यहाँ के वृक्ष, लताएं और झाड़ियाँ आपकी उंगलियों का स्पर्श पाकर अपना अहोभाग्य मान रही हैं। आपकी दया भरी चितवन से नदी, पर्वत, पशु, पक्षी सब कृतार्थ हो रहे हैं और ब्रज की गोपियाँ आपके वक्ष स्थल का स्पर्श प्राप्त करके, जिसके लिए स्वयं लक्ष्मी भी ललायत रहती है, धन्य धन्य हो रही हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार परम सुंदर वृंदावन को देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत ही आनंदित हुए। वे अपने सखा ग्वाल बालों के साथ गोवर्धन की तराई में यमुना तट पर गौओं को चराते हुए अनेकों प्रकार की लीलाएं करने लगे। एक ओर ग्वाल बाल भगवान श्री कृष्ण के चरित्र की मधुर तान छेड़ते रहते हैं, तो दूसरी ओर बलराम जी के साथ वनमाला पहने हुए श्री कृष्ण मतवाले भंवरों की सुरीली गुनगुनाहट में अपना स्वर मिलाकर मधुर संगीत अलापने लगते हैं। कभी कभी श्री कृष्ण कूंजते हुए राजहंसों के साथ स्वयं भी कूंजने लगते हैं और कभी नाचते हुए मोरों के साथ स्वयं भी ठुमक ठुमक नाचने लगते हैं, और ऐसा नाचते हैं कि मयूर को उपहासास्पद बना देते हैं। कभी मेघ के समान गंभीर वाणी से दूर गए हुए पशुओं को उनका नाम ले लेकर बड़े प्रेम से पुकारते हैं। उनके कंठ की मधुर ध्वनि सुनकर गायों और ग्वाल बालों का चित्त भी अपने वश में नहीं रहता। कभी चकोर, क्रोंच, चकवा, भरदूल और मोर आदि पक्षियों की सी बोली बोलते हुए, तो कभी बाघ, सिंह आदि की गर्जना से डरे हुए जीवों के समान स्वयं भी भयभीत किसी लीला करते हैं। जब बलराम जी खेलते खेलते थक कर किसी ग्वाल बाल की गोद के तकिए पर सिर रख कर लेट जाते, तब श्री कृष्ण उनके पैर दबाने लगते, पंखा झेलने लगते और इस प्रकार अपने भाई की थकावट दूर करते। जब ग्वाल बाल नाचने गाने लगते अथवा ताल ठोक ठोक कर एक दूसरे से कुश्ती लड़ने लगते, तब श्याम और राम दोनों भाई हाथ में हाथ डालकर खड़े हो जाते और हंस हंस कर वाह वाह करते। कभी कभी स्वयं श्री कृष्ण भी ग्वाल बालों के साथ कुश्ती लड़ते लड़ते थक जाते तथा किसी सुंदर वृक्ष के नीचे
कोमल पल्लवों की सेज पर किसी ग्वाल बाल की गोद में सिर रखकर लेट जाते। परीक्षित, उस समय कोई कोई पुण्य के मूर्तिमान स्वरूप ग्वाल बाल महात्मा श्री कृष्ण के चरण दबाने लगते और दूसरे निष्पाप बालक उन्हें बड़े बड़े पत्तों या अंगोछियों से पंखा झेलने लगते। किसी किसी के हृदय में प्रेम की धारा उमड़ आती तो वह धीरे धीरे उदार शिरोमणि परम मनस्वी श्री कृष्ण की लीलाओं के अनुरूप उनके मन को प्रिय लगने वाले मनोहर गीत गाने लगता। भगवान ने इस प्रकार अपनी योग माया से अपने ऐश्वर्यमय स्वरूप को छिपा रखा था। वे ऐसी लीलाएं करते जो ठीक ठीक गोप बालकों की सी ही मालूम पड़ती। स्वयं भगवती लक्ष्मी जिनके चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहती हैं, वे ही भगवान इन ग्रामीण बालकों के साथ बड़े प्रेम से ग्रामीण खेल खेला करते थे। परीक्षित, ऐसा होने पर भी कभी कभी उनकी ऐश्वर्यमयी लीलाएं भी प्रकट हो जाया करती थी। बलराम जी और श्री कृष्ण के सखाओं में एक प्रधान गोप बालक थे श्रीदामा। एक दिन उन्होंने तथा सुबल और स्तोक कृष्ण आदि ग्वाल बालों ने श्याम और राम से बड़े प्रेम के साथ कहा, हम लोगों को सर्वदा सुख पहुंचाने वाले बलराम जी, आपके बाहुबल की तो कोई था ही नहीं है। तुम्हारे मनमोहन श्री कृष्ण दुष्टों को नष्ट कर डालना तो तुम्हारा स्वभाव ही है। यहाँ से थोड़ी दूर पर एक बड़ा भारी वन है, बस उसमें पांत के पात ताड़ के वृक्ष भरे पड़े हैं। वहाँ बहुत से ताड़ के फल पक पक कर गिरते रहते हैं और बहुत से पहले से गिरे हुए भी हैं, परंतु वहाँ धेनुक नाम का एक दुष्ट दैत्य रहता है, उसने उन फलों पर रोक लगा रखी है। बलराम जी और भैया श्री कृष्ण, वह दैत्य गधे के रूप में रहता है। वह स्वयं तो बड़ा बलवान ही है, उसके साथी और भी बहुत से उसी के समान बलवान दैत्य उसी रूप में रहते हैं। मेरे शत्रु गाती भैया, उस दैत्य ने अब तक ना जाने कितने मनुष्य खा डाले हैं। यही कारण है कि उसके डर के मारे मनुष्य उसका सेवन नहीं करते और पशु पक्षी भी उस जंगल में नहीं जाते। उसके फल हैं तो बड़े सुगंधित, परंतु हमने कभी नहीं खाए। देखो ना, चारों ओर उन्हीं की मंद मंद सुगंध फैल रही है। तनिक सा ध्यान देने से उसका रस मिलने लगता है। श्री कृष्ण, उसकी सुगंध से हमारा मन मोहित हो गया है और उन्हें पाने के लिए मचल रहा है। तुम हमें वे फल अवश्य खिलाओ। दाऊ दादा, हम उन फलों की बड़ी उत्कट अभिलाषा है, आपको रुचे तो वहाँ अवश्य चलिए। अपने सखा ग्वाल वालों की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों हंसे और फिर उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनके साथ ताल वन के लिए चल पड़े। उस वन में पहुंचकर बलराम जी ने अपनी बाहों से उन ताड़ के पेड़ों को पकड़ लिया और मतवाले हाथी के बच्चे के समान उन्हें बड़े जोर से हिलाकर बहुत से फल नीचे गिरा दिए। जब गधे के रूप में रहने वाले दैत्य ने फलों के गिरने का शब्द सुना, तब वह पर्वतों के साथ सारी पृथ्वी को कंपाता हुआ उनकी ओर दौड़ा। वह बड़ा बलवान था, उसने बड़े वेग से बलराम जी के सामने आकर अपने पिछले पैरों से उनकी छाती में दुलत्ती मारी और उसके बाद वह दुष्ट बड़े जोर से रेंगता हुआ वहां से हट गया। राजन, वह गधा क्रोध में भरकर फिर रेंगता हुआ दूसरी बार बलराम जी के पास पहुंचा और उनकी ओर पीठ करके फिर बड़े क्रोध से अपने पिछले पैरों की दुलत्ती चलाई। बलराम जी ने अपने एक ही हाथ से उसके दोनों पैर पकड़ लिए और उसे आकाश में घुमाकर एक ताड़ के पेड़ पर दे मारा। घुमाते समय ही उस गधे के प्राण पखेरु उड़ गए थे। उसके गिरने की चोट से वह महान ताड़ का वृक्ष, जिसका ऊपरी भाग बहुत विशाल था, स्वयं तो तड़तड़ाकर गिर ही पड़ा। सटे हुए दूसरे वृक्षों को भी उसने तोड़ डाला। उसने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, इस प्रकार एक दूसरे को गिराते हुए बहुत से ताड़ के वृक्ष गिर गए। बलराम जी के लिए तो यह खेल था, परंतु उनके द्वारा फेंके हुए गधे के शरीर से चोट खा खा कर वहाँ सब के सब ताड़ हिल गए। ऐसा जान पड़ा मानो सबको झंझावत ने झंकोर दिया हो। भगवान बलराम स्वयं जगदीश्वर हैं, उनमें यह सारा संसार ठीक वैसे ही ओतप्रोत है जैसे संतों में वस्त्र, तब भला उनके लिए कौन से आश्चर्य की बात है। उस समय धेनुकासुर के भाई बंधु अपने भाई के मारे जाने से क्रोध के मारे आग बबूला हो गए। सब के सब गधे बलराम जी और श्री कृष्ण पर वेग से टूट पड़े। राजन, उनमें से जो जो पास आया उसको बलराम जी और श्री कृष्ण ने खेल खेल में ही पिछले पैर पकड़कर ताड़ वृक्षों पर दे मारा। उस समय वह भूमि ताड़ के फलों से पट गई और टूटे हुए वृक्ष तथा दैत्यों के प्राणहीन शरीरों से भर गई। जैसे बादलों से आकाश ढक गया हो, उस भूमि की वैसी ही शोभा होने लगी। बलराम जी और श्री कृष्ण की यह मंगलमयी लीला देखकर देवतागण उन पर फूल बरसाने लगे और बाजे बजा बजा कर स्तुति करने लगे। जिस दिन धेनुकासुर मारा, उस दिन से लोग निडर होकर उस वन में ताड़ फल खाने लगे तथा पशु भी स्वच्छंदता के साथ घास चरने लगे। उसके बाद कमल दल लोचन भगवान श्री कृष्ण बड़े भाई बलराम जी के साथ ब्रज में आए। उस समय साथी ग्वाल बाल उनके पीछे पीछे चलते हुए उनकी स्तुति करते जाते थे। क्यों ना हो,
भगवान की लीलाओं का श्रवण कीर्तन ही सबसे बढ़कर पवित्र जो है। उस समय श्री कृष्ण की घुंघराली अलकों पर गऊओं के खुरों से उड़ उड़कर धूली पड़ी हुई थी। सिर पर मोर पंख का मुकुट था और बालों में सुंदर सुंदर जंगली पुष्प गुंथे हुए थे। उनके नेत्रों में मधुर चितवन और मुख पर मनोहर मुस्कान थी। वे मधुर मधुर मुरली बजा रहे थे और साथी ग्वाल बाल उनकी ललित कीर्ति का गान कर रहे थे। वंशी की ध्वनि सुनकर बहुत सी गोपियों के साथ ही ब्रज से बाहर निकल आई। उनकी आंखें ना जाने कब से श्री कृष्ण के दर्शन के लिए तरस रही थी। गोपियों ने अपने नेत्र रूप भंवरों से भगवान के मुखारविंद का मकरंद रसपान करके दिन भर के विरह की जलन शांत की और भगवान ने उनकी लाज भरी हंसी और विनय से युक्त प्रेम भरी तिरछी चितवन का सत्कार स्वीकार करके ब्रज में प्रवेश किया। उधर यशोदा मैया और रोहिणी जी का हृदय वात्सल्य स्नेह से उमड़ रहा था। उन्होंने श्याम और राम के घर पहुँचते ही उनकी इच्छा के अनुसार तथा समय के अनुरूप पहले से ही सोच संजो कर रखी हुई वस्तुएं उन्हें खिलाई पिलाई और पहनाई। माताओं ने तेल उपटन आदि लगाकर स्नान करवाया। इससे उनकी दिन भर घूमने फिरने की मार्ग की थकान दूर हो गई। फिर उन्होंने सुंदर वस्त्र पहनाकर दिव्य पुष्पों की माला पहनाई तथा चंदन लगाया। तत्पश्चात दोनों भाइयों ने माताओं का परोसा हुआ स्वादिष्ट अन्न भोजन किया। इसके बाद बड़े लाड प्यार से दुलार दुलार कर यशोदा और रोहिणी ने उन्हें सुंदर शैया पर सुलाया। श्याम और राम बड़े आराम से सो गए। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार वृंदावन में अनेकों लीलाएं करते एक दिन अपने सखा ग्वाल बालों के साथ भी यमुना तट पर गए। राजन, उस दिन बलराम जी उनके साथ नहीं थे। उस समय जेठ और शाण के घाम से गौएं और ग्वाल बाल अत्यंत पीड़ित हो रहे थे। प्यास से उनका कंठ सूख रहा था, इसीलिए उन्होंने यमुना जी का विषैला जल पी लिया। परीक्षित, होनहार के वंश, उन्हें इस बात का ध्यान ही नहीं रहा। उस विषैले जल के पीते ही सब गौएं और ग्वाल बाल प्राणहीन होकर यमुना जी के तट पर गिर पड़े। उन्हें ऐसी अवस्था में देखकर योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अमृत बरसाने वाली दृष्टि से उन्हें जीवित कर दिया। उनके स्वामी और सर्वस्व तो एकमात्र श्री कृष्ण ही थे। परीक्षित, चेतना आने पर वे सब यमुना जी के तट पर खड़े हुए और आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। राजन, अंत में उन्हें यही निश्चय किया कि हम लोग विषैला जल पीले के कारण मर चुके थे, परंतु हमारे श्री कृष्ण ने अपनी अनुग्रह भरी दृष्टि देखकर हमें फिर से जिला दिया है। श्रीमद्भागवत महापुराण स्कंद 10वां अध्याय 15वां समाप्त।